ओके तो आज करेंगे हम केवल चार बेसिक से वर्कआउट जो आपके ब्रेस्ट सैगिनेस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला था। वीडियो बहुत शॉर्ट और टू द पॉइंट होने वाली है। तो जो फर्स्ट वर्कआउट है वो है इनसाइड पुशअप ग्रिप। तो आपका हाथ जो है वो अंदर की तरफ होगा और इस हाथ को सिंपली चेस्ट के पास लगाने वाले हो। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप ये वाले लगाओ, अगर स्ट्रेंथ खराब है तो आप ये वाले लगाओ। तो नीचे जाओगे देन आप, नीचे देन आप, ईजी। कम से कम 10 to 15 रैप्स आप लगाने वाले हो। ये हमारा इनसाइड पुशअप, ये आपके लोअर चेस्ट को टारगेट करता। लगाने वाले हो 10 to 15 रैप्स। मेक श्योर आपको हर वर्कआउट को 3 सेट परफॉर्म करना है। ओके तो जो दूसरी वर्कआउट है वो है डिक्लाइन फ्लाइज। ये आपके साइड और लोअर चेस्ट को टारगेट करता है, स्पेशली अपलिफ्ट और टोन करने के लिए। तो ये लगाने वाले हो आप कितने 12 रैप्स। एंगल देखो, फॉर्म देखो, डंबल चेस्ट के आगे रखोगे देन ऊपर ऊपर। कोशिश करो अपने चिन के पास तक आप डंबल को ला पाओ, ये है करेक्ट फॉर्म। और बॉडी से पीछे डंबल जाने की जरूरत नहीं, तो इस रेंज में होल्ड करके आराम से 10 टू 15 रेप्स जस्ट ओनली लगाने वाले हो 3 सेट। ओके अब जो हमारी तीसरी वर्कआउट है वो है डंबल फ्लाइज। ये ओवर द चेस्ट होने वाला है, तो आप सिंपल डंबल ऊपर रखोगे और ये एंगल पे पूरा स्ट्रेच करोगे देन अप स्ट्रेच देन अप स्ट्रेच देन अप स्ट्रेच देन अप स्ट्रेच देन अप। अब इससे होता क्या है, ये बेसिकली आपके डेल्टॉय मसल प्लस आपको जो अपर चेस्ट सेक्शन है वहां पे टारगेट करता है। इससे पहले हम लोगों ने साइड मिड सेक्शन ट्रेन किया, अब हम ऊपर वाले पार्ट को ट्रेन करने वाले हैं। तो आप ये लगाने वाले हो कितने, एटलीस्ट 15 से लेके 20 रेप्स के 3। ओके जो लास्ट वर्कआउट है वो है सिंगल आर्म रोइंग। ये इसके मल्टीपल ऑफ बेनिफिट से लास्ट में बताऊंगा, पहले फॉर्म देख लो। तो डंबल को ऐसे पकड़ोगे और पीछे ले जाओगे देन ये एंगल कम से कम 20 रेप्स आप एक साइड से लगाने वाले हो और इसके लगाओगे कम से कम 3 सेट। ये है करेक्ट फॉर्म। अब इससे होता क्या है, डंबल जब पीछे जा रहा है तो आपका साइड चेस्ट पर टेंशन आ रही है, प्लस नीचे जा रहा है तो आपको जो लैट मसल है वो भी इंगेज हो रहा है। इट मीन्स इसका मतलब ये है, बहुत आराम है, इसका मतलब ये है कि आप एक ही समय पर अपने ब्रा पैक को भी फिक्स कर सकते हो, प्लस आपके ब्रा बल्ज को भी फिक्स हो सकता है। और हम चेस्ट तो ट्रेन कर ही रहे हैं, तो इस वर्कआउट के मल्टीपल ऑफ बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो ये थी शॉर्ट में टू द पॉइंट कितने 4 बेसिक वर्कआउट फॉर योर अपर बॉडी।